सनी देओल की फिल्में फैंस को खूब पसंद आती हैं। दरअसल फैंस को सनी देओल का एक्शन खूब भाता है। सनी देओल की अगली फिल्म गदर 2 आने वाली है। इस फिल्म में भी उनके अमीषा पटेल नजर आएंगी। बीते कुछ दिन पहले गदर 2 से सनी देओल का फर्स्ट लुक भी सामने आया था, जिसमें वह अपने पुराने अंदाज में नजर आए थे। जब से पहला लुक सामने आया है, तब से फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। फैंस को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है। हालांकि ट्रेलर कब रिलीज होना है इसकी तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गदर को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2001 में गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। उस दौर में इस फिल्म ने रिकॉर्ड कमाई की थी, जबकि उसी साल और उसी दिन आमिर खान की लगान भी रिलीज हुई थी। अब गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने गदर 1 को लेकर फैसला लिया है कि 22 साल बाद एक बार फिर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि गदर 2 से पहले गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया जाएगा। खास बात यह है कि इसे उसी तारीख को रिलीज किया जाएगा जिसमें इसे 2001 में रिलीज किया गया था। बता दें कि मेकर्स ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दर्शक एक बार पूरा कहानी को फिर से देख ले। मेकर्स ने इसे 15 जून 2023 को रिलीज करने का फैसला लिया है। बता दें कि गदर 2 को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म में उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे, जो कि गदर एक प्रेम कथा में चाइल्ड आर्टिस्ट थे, लेकिन गदर 2 में वह अब हीरो के तौर पर दिखेंगे। बताया जा रहा है कि गदर 2 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी है।